में जो एक वायलेंस के पैरामीटर्स होते हैं वो तकरीबन 50% से कम हो रहा है। सिचुएशन बहुत अच्छी है और एक स्टेबिलिटी आ रखी है आज की तारीख में पूरे कश्मीर के अंदर। और मुझे लगता है कि अगर ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं जिसमें कई क्रिमिनल किस्म के लोग, एक कोई सिपाही है पुलिस का या कोई सिविलियन है जो अनआर्म्ड है और उसको पीछे से जाकर के उसको कत्ल करते हैं, जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी जो कुछ बाहर से कंट्रोल्ड है और कुछ हमारे अंदर के दुश्मनों से कंट्रोल्ड है, तब तक थोड़ा सा ये मामला खराब रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफी परेशान हैं आज की वक्त, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, कश्मीर के दुश्मन हैं, पीस स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को देख के इतने परेशान हैं कि सड़क चलते हुए किसी एक दुकानदार को गोली मार देते हैं, घर के अंदर गए हुए अपने किसी दोस्त से मिलने वाले किसी पॉलिटिशियन को पीछे से गोली मार देते हैं, ताकि ये जो एक डर का माहौल है वो कश्मीर में कायम हो रहे और इनकी जो दुकान है वो चलती रहे। बट मुझे पक्का यकीन है जिस तरह पुलिस अपना काम कर रही है, वो ये सब भी जो गड़बड़ चल रही है, जो छोटे मोटे ये हमले चल रहे हैं, उसके ऊपर काबू करेंगे और इस चीज को रोका जाएगा। बट आज की तारीख में जो मुझे लगता है सिक्योरिटी के हालात से काफी सिचुएशन बहुत अच्छा है। हंडवाड़ा के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। आपको मालूम है कि एक समय में हंडवाड़ा के अंदर कितनी भरमार होती थी, सिपाहियों ने, फौजी ने, पुलिस वालों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और ज्यादातर हमारे हंडवाड़ा के कई लोगों ने जाने गंवाई हैं। बट आपको मालूम है कि आज की तारीख में हंडवाड़ा एक अच्छा पीसफुल टाउन है, पीसफुल इलाका है। आज की तारीख में राजवाड़ इस इलाके के अंदर बहुत कम टेररिस्ट की हरकतें चल रही हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आज की तारीख में हालात अच्छे हैं और लोगों ने हमारा सवाल का जवाब मालूम है। ठीक है, आज की तारीख में 200 के आसपास टेररिस्ट हैं, ज्यादा नहीं है। मुझे यकीन है कि हम बाय द एंड ऑफ द ईयर इस नंबर को भी काफी कम करेंगे।